तो पूरे गांव के बीच में हमने 5 बच्चों से बात करी है। विद्यालय में क्या होता है नहीं होता है ये हम ज्यादा देखते हैं, हम अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल टाइम में। तो थोड़ा हमें भी समझना पड़ेगा, स्कूल में मास्टर नहीं पढ़ाएंगे तो हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भी कार्रवाई करनी है, लेकिन बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? हम तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। इधर आओ तो बाबू जी का क्या नाम? पापा का श्री नंदलाल। नंदलाल है यहाँ पर? नंदलाल जी क्या है? नहीं है, नहीं। तुम्हारे बाबू जी ने कभी तुम्हारा ऐसे किया है? नहीं किया हो, कभी नहीं किया। तुम स्कूल नहीं जाते हो इसके लिए बाबूजी ने प्यार से कभी ऐसे नहीं किया। हमारे बाबूजी किया करते, आजकल के बाबूजी लोगों ने छोड़ दिया कि बच्चा क्या करता है नहीं करता है, स्कूल का टाइम है, बकरी चरा रहा है, गुल्ली खेल रहा है, डंडा चला रहा है, आम तोड़ रहा है, पानी में कूद रहा है, मतलब ही नहीं। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है ज्यादा पता, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इसका पता ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि स्कूल में क्या हो रहा है ये देखने से पहले हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं इसको भी जरा देखें। स्कूल में तो पिछले 10-20 सालों में बहुत चेंजेस हुए। जब आप पढ़ते होंगे स्कूल में तो ये ताड़ के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ते होंगे, लेकिन आज स्कूलों में बिल्डिंग है, टीचर्स भी पहले से बहुत ज्यादा है, योजनाएं हैं बहुत सारी, स्कूल ड्रेस की, पोशाक की, छात्रवृत्ति की, भोजन खाने की। तब ये कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी आप पढ़ते थे, पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। आज क्योंकि आपके बाबूजी मतलब रखते थे, आज आप जब बाबूजी हैं, दादाजी हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए मतलब नहीं रखते। अब इनका पिता